अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं सबा अंसारी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है जिला गांदरबल के वाइल इलाके में, जहां पर आज इस नए ब्रिज का इनॉग्रेशन होने वाला है। बाज़ाब्ता तौर पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा यहां पे आएंगे और इस ब्रिज का जो है वो इनॉग्रेशन होगा। इस ब्रिज के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इसकी ब्रिज की कुल लंबाई 110 मीटर और इसकी चौड़ाई तकरीबन 7.5 मीटर की है और आज इस पुल का जो है वो इनॉग्रेशन हो जाएगा। यहाँ के मकामी लोगों की बहुत टाइम से ये मांग थी कि यहाँ पर एक नया पुल बनाया जाए, क्योंकि जो पुराना पुल है सिंगल लेन पुल था और उस वजह से अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जाम जो रहता था वो हमें देखने के लिए मिलता था। और अब यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि अब उन्हें ये जब ये पुल चालू हो जाएगा, आज इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, तो जो ट्रैफिक जाम से परेशान हुआ करते थे अब उन्हें वो उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पुल की अगर बात की जाए तो इसमें खास बात यह भी रही कि इस पुल को पूरी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया है और अगर लागत की बात की जाए तो 23.79 करोड़ की लागत के साथ इस पुल को जो है तैयार किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और इस पुल का जो है इनॉग्रेशन होगा। आप बने रहिएगा जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। फिलहाल